गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स लाइक सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ इन सब में पूछे गए हैं सो लेट्स बिगिन लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस द प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पैसिव फॉर्म में है सो so, यहाँ पर पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वॉज प्लस वब थ्री यानी कि डिक्लेयर्ड द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड सो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट माई ग्रैंड मदर हैजबिन लीव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हस्बैंड के बाद आईएनजी फॉर्म होता है माय ग्रैंड मदर हेजबैंड लिविंग होना चाहिए था सो इसके ए पार्ट मेर है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द पेपर हस्बैंड द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज वेलाइंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड जैसे कि इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट फॉर्म में है हैज़ बिन वैसे ही सेकेंड पार्ट भी होना चाहिए इसीलिए पार्लियामेंट के बाद हैड की जगह पर हैज़ आना चाहिए था ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ मैनेज सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट ऑलरेडी नो दैट डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है सो यहां पर टोल्ड गलत है डिड यू टेल होना चाहिए था ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है यानी कि यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है सो so, ये ना तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में और यहाँ पर लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पर सिंपली होना चाहिए था अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट टू अमेरिकन सिटीज़ विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटेलिटीज़ ओवर द वीकेंड यहाँ पर एंड रिजल्टिंग गलत है विटनेस्ड शूटिंग दैट रिजल्टेड सो यहां पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन इफ यहां पर गलत है यहां पर होना चाहिए था ऑल दो ऑल दो दे सेड नथिंग मतलब कि हालांकि उन लोगों ने कुछ नहीं कहा बट वो उनके डिसअप्रूवल को सेंस कर पा रही थी सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट वेरी लिटिल मेटल्स आर एज ब्रशस एज गोल्ड यहाँ पर कुछ मेटल्स की बात की गई है जो कि काउंटेबल है और काउंटेबल के पहले फ्यू आता है ना कि लिटिल सो so, यहाँ पर लिटिल गलत है वेरी फ्यू मेटल्स होना चाहिए था एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इट सीम्स दैट ऑथर्स क्रिएटिविटी इज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू देयर वर्क एंड हैप्पीली देयर नेम्स टू पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज नॉट के बाद रेस्ट्रिक्टेड आना चाहिए था यानी कि वर्ब थ्री सो इसके ऑप्शन बी में रहे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग अमंग का मतलब होता है बीच में बट यहां पर विद द हेल्प ऑफ का सेंस आना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ के लिए प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं बाय बाई लाइंग एंड चीटिंग मतलब की लाइंग और चीटिंग के द्वारा वो छुटकारा पा सकता है एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सुभाष गिड़वानेलिंग डॉल्स विच आर टाइप ऑफ मध्यप्रदेश कल्चर एट द एन्युअल दस्तकर बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर इन डेल्ही टाइप के पहले आर्टिकल ए आना चाहिए था विच आर अ टाइप ऑफ विलेज कल्चर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन रेखा ऑन हर मोबाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड जब हम किसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर की बात करते हैं जैसे कि इन द किचन सो इसके लिए इन का यूज होता है ना कि एट सो इसके ऑप्शन सी मैर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू ऑफ इज वॉक नथिंग टू डू विद होता है और इसका मीनिंग होता है नो कनेक्शन मतलब कि कोई कनेक्शन ना होना सो यहाँ पर ऑफ गलत है नथिंग टू डू विद आना चाहिए था ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजन फॉर देअर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट टीम सिंगुलर नाउन है इसीलिए देयर के जगह पर इट्स आना चाहिए था फॉर इट्स पोअर परफॉर्मेंस सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबोर्न रिकॉर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अर्थवॉर्म टू सॉयल एंड डिस्क्राइब एन इंग्लैंड अनस्पॉइल्ड बाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबॉर्न और इसीलिए रिकॉर्ड्स आया है और इस तरह से डिस्क्राइब का भी सिंगुलर फॉर्म डिस्क्राइब जाना चाहिए था डिस्क्राइब्स एन इंग्लैंड एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ही हैज शैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाई पर्पजस पर्पस के पहले बाय नहीं ऑन का यूज होता है ऑन पर्पस मतलब इंटेंशनली जानबूझकर कुछ करना सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए फ्यू यहां पर गलत है इसके लिए आना चाहिए था लेस less time left, so option C is the correct answer. Next, please go out and check if it is yet raining. येट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन ऑलरेडी शुरू नहीं हुआ है बल्कि वो शुरू होने वाला है या फिर बाद में अक्योर होने वाला है जैसे कि ही हैज एन कम येट मतलब कि वो अभी तक नहीं आया है बट यहाँ पर रेनिंग की बात की जा रही है कि प्लीज़ बाहर जाकर देख के आओ कि अभी भी रेन हो रहा है कि नहीं मतलब रेन पहले ही स्टार्ट हो चुका है और इस टाइप के सेंटेंस के लिए स्टिल का यूज़ किया जाता है इफ़ इट इज़ स्टिल रेनिंग ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वेन दे स्टार्टड दे हैड ग्रेट आइडियाज़ बट लैक द बिजनेस नो हाउ जब उन्होंने स्टार्ट किया था यानी कि पास्ट फॉर्म इसीलिए दे हैड आया है और इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी पास्ट फॉर्म में ही आना चाहिए था बट लैक्ड होना चाहिए था बट लैक्ड द बिजनेस नो हाउ सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशंट एविडेंस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस फॉर के बाद आई एनजी फॉर्म यूज होता है फॉर सपोर्टिंग हर एकशंस या फिर अगर हम सपोर्ट का यूज करते तो इसके पहले टू का यूज किया जाता टू सपोर्ट हर एक सो यहाँ पर फॉर सपोर्ट गलत है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ एनर्मस टावर्स यहाँ पर सिस्टम के पहले एक आर्टिकल मिसिंग है यहाँ पर होना चाहिए था सिस्टम मतलब कि वो पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है इसीलिए द आना चाहिए था सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स यानी कि स्पेसिफाइड है इसके लिए ए गलत हो जाएगा द आना चाहिए था इन द सेकेंड इनिंग्स एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फाइव क्रैकर्स हैव सीज बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ वाइल्ड बींग डिफ्यूज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन अ टाउन इन वेस्ट बंगाल फायर क्रैकर जो गवर्नमेंट के द्वारा सीज किए गए थे यानी कि यहाँ पर हैव गलत है सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओनली आना चाहिए था फायर क्रैकर सीज्ड बाय द गवर्नमेंट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इट वॉज अ रियली बैड मूवी अ वॉर्स मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ यहाँ पर लास्ट पार्ट में लिखा गया है आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ मतलब कि मैंने जिंदगी में जितनी सारी मूवीज देखी है उन, उन सबसे ये वर्स्ट है तो यहाँ पर वर्स्ट आना चाहिए था क्योंकि सारे मूवीज में से इसको सबसे बदतर कहा जा रहा है और इसके पहले द आर्टिकल लगाया जाता है द वर्स्ट मूवी आना चाहिए था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फर्स्ट पार्ट में जो इट्स लिखा गया है यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी होना चाहिए था आई टी अपोस्ट्रॉफी एस यानी कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म सो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लेइंग विद हिज टॉय ट्रेन दैट ही डू नॉट इवन लुक अप एट अस द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी यानी कि पास्ट फॉर्म में है इसीलिए सेकेंड पार्ट भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था दैट ही डिड नॉट इवन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट लास्ट ईयर द यूके स इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज विद इंटरनेट एडिक्शन जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि आई टी अपोस्ट्रॉफी एस का मीनिंग होता है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म और इसके अलावा अपोस्ट्रॉफी एस किसी का पोजिशन दिखाने के लिए किया जाता है जब वो लिविंग थिंग हो और जब नॉन लिविंग थिंग जिसके लिए इट यूज़ होता है अगर उसका पोजिशन दिखाने की बात आए तो सिंपली वहाँ पर एस लगाया जाता है इट्स आई टी एस यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी गलत है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द कंसर्ट स्टार्टेड वन ही रिच द वेन्यू कंडीशनल सेंटेंस जब वो वेन्यू में पहुँचा तो कंसर्ट स्टार्ट हो चुका था यानी कि हेड आना चाहिए था ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड आर्कर वॉज एयर लिफ्टेड टू डेली वेन ही मेड विद एन एक्सीडेंट वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी वाइल के बाद प्रैक्टिसिंग आना चाहिए था मतलब कि प्रैक्टिस करने के दौरान सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्रैंगीपनी ट्री इज अ स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री विच इज़ स्पेशल यूज फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पज यहाँ पर जो स्पेशल लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पेशल इन सम वे बट यहाँ पर इसका यूज गलत होगा यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए स्पेशली स्पेशली यूजड सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो अगर आपको इस वीडियो का पी फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एंड आगे की वीडियोज में इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ओके बाय थैंक यू